हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो पीसीओडी को लेकर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। मुझे पीसीओडी बहुत सालों से है और अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रैक कर लिया है कि क्या चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, और वही मैं अपने एक्सपीरियंसिस आपसे शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी पुरानी है कि अब मैंने चीज़ों को समझते समझते पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से मैं समझ गई हूँ कि क्या चीज़ें लिए काम करती हैं। ऑब्वियसली जब मैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपना खाना पीना, अपना वेट बैलेंस करती हूँ तो मेरा साइकिल बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन जब भी थोड़ा सा वेट बढ़ता है तो साइकिल अपने आप गड़बड़ाने लग जाता है। वो तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ ये शेयर करने आई हूँ आज कि वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने आज तक जितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया इंडिया में जब मैं थी, तो किसी ने कोई परमानेंट ऐसा नहीं कोई मेडिसिन दी कि हाँ इससे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। हर कोई आपको यही सलाह देता है कि आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है, यही सब लोग कहते हैं। तो पीसीओडी बेसिकली यही है कि आपको अपना वेट ही बैलेंस करना है, और ये चीज़ मैं समझ भी चुकी हूँ पूरी तरह से कि क्या जो है वो होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम अपना वेट बैलेंस में लेकर आई थी, उसके बाद मैंने डिलीवरी के बाद अपना वेट जो है वो बैलेंस किया था, और उसके बाद जो है वो मेरा साइकिल शुरू हुआ था। तो वो चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन एक अंदर से वो होता है ना कि अब जब मैं यूएस आई तो मुझे अंदर से था कि यहाँ के डॉक्टर्स को भी एक बार कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है भाई फॉरेन के डॉक्टर हैं, हमारे माइंड में रहता है ना कि फॉरेन के डॉक्टर हैं, क्या पता ये कुछ अलग बता दें, कुछ नया बता दें। तो था कि चलो एक बार जाकर आते हैं, पूछेंगे। तो मैंने यहाँ यूएस में किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर कि भाई पीसीओडी है, और बेसिकली मैं इसके लिए गई थी कि शायद वो मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बता दे, क्योंकि मन में तो ये होता ही है कि कोई ऐसा परमानेंट इलाज मिल जाए तो क्या ही बुरा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे सेम चीज कही, और वो बहुत हैरान थे कि मैंने नेचुरली कंसीव भी किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम इतने साल से पुरानी है और हमें लगता है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हो। ये बात उन्होंने मुझे कही कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हो कि आपको अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा रखना पड़ता है, और साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बेसिकली बोलने का मतलब वही था कि आपको अपना वेट बैलेंस करना है, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहनी चाहिए, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो होती रहनी चाहिए, यही पीसीओडी का इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसका रीज़न भी कुछ नहीं है और इसका इलाज भी कुछ नहीं है, ये जिनको है उनको है। अब जिन्होंने क्रैक कर लिया इस चीज़ को कि क्या चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं, वो फ़ायदे में है। जो अभी तक इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो इसी चीज को लेकर दुखी है, फिर वो दुखी ही है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस भी नहीं लेना इस चीज में, और स्ट्रेस इसी बात का हो रहा है कि भाई क्यों साइकिल सही नहीं है। तो सोचो ये कितनी मतलब अपने आप में ऐसी बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना है लेकिन चीजें ठीक नहीं चल रही है तो स्ट्रेस अपने आप हो रहा है। एनीवे, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि भाई आप अपना डाइट प्लान सही रखिए, आप अपना खाना पीना सही रखिए, इसी से ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे और क्या क्या करते हो आप अपने वेट बैलेंस के लिए। मैं एक और नई वीडियो लेकर आऊँगी पीसीओडी को लेकर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।